अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खिलाड़ी अक्षय कुमार की इन दिनों फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और फिल्म के ट्रेलर के प्रति लोगों की जिज्ञासा भी देखने को मिली। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर पाएगी। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में संजय दत्त और सोनू सूद अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं और फिल्म को लेकर इन दोनों जबरदस्त बज भी देखने को मिल रहा है। इस फिल्म की कहानी चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखी है, साथ ही इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया है। कुल मिलाकर साफ तौर पर यह एक हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार का एक अलग ही किरदार दुनिया के सामने पेश होने वाला है। इस फिल्म को लेकर यशराज बैनर भी काफी बड़े पैमाने पर इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारियों में है और इस फिल्म को हिंदी के अलावा साउथ की कई सारी भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। फिल्म को 3 जून 2022 को रिलीज किया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी हम आपको एक अहम खबर से रूबरू भी कराना चाहते हैं और ये खबर अभिनेता सनी देओल से भी जुड़ी हुई है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे बैनर हैं और इन्हीं बैनर के तले कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया जाता है और उन्हीं में से एक है यशराज। अब यशराज फिल्म्स के साथ हर कोई काम करना चाहता है और अभिनेता सनी देओल ने भी यशराज फिल्म्स के साथ एक बार हाथ मिलाया था। फिल्म तो सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन एक विवाद काफी ज्यादा गहरा है, जिस विवाद के चलते अभिनेता सनी देओल ने कसम खा ली कि वो कभी भी यशराज बैनर के साथ काम नहीं करेंगे और ये उन्होंने करके भी दिखाया। आज से करीब 29 साल पहले यशराज बैनर के तले बनी फिल्म डर तो आपको याद ही होगी, जिस फिल्म में अभिनेता सनी देओल और शाहरुख खान के अलावा जूही चावला ने अहम किरदार निभाया था। शाहरुख खान इसमें यादगार नेगेटिव भूमिका निभाई थी, सनी देओल रोमांटिक किरदार में थे, लेकिन इस दौरान इस फिल्म को लेकर एक विवाद भी गहराया और बताया गया कि इस विवाद के चलते अभिनेता सनी देओल ने शाहरुख से बोलना तक बंद कर दिया था। एक बार खुद सनी देओल ने डर फिल्म से जुड़े अनुभव को इंटरव्यू में शेयर किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे यश चोपड़ा और फिल्म के कई सीन से नाखुश थे। उनका मानना है कि फिल्म में विलन जो कि साइड रोल था, उसके किरदार को ऐसे गढ़ दिया गया कि वो हीरो पर भी भारी पड़ने लगा। ऐसे में बताया जाता है कि सनी देओल इतने ज्यादा नाराज हो गए थे और उन्होंने शाहरुख और यश चोपड़ा के सामने उन्होंने अपने जेब में हाथ डालकर जेब भी फाड़ दी थी और सनी देओल का यह गुस्सा देखने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। अब यह विवाद यही नहीं थमा, एक तरफ जहां शाहरुख के साथ उनकी दुश्मनी होगी तो वहीं दूसरी ओर यश चोपड़ा के साथ उन्होंने कभी भी ना काम करने का फैसला लिया और यह फैसला उन्होंने बरकरार भी रखा। अब यशराज फिल्म से सनी देओल की दुश्मनी बढ़ गई और इस दुश्मनी को अभिनेता सनी देओल कभी भी भुलाना नहीं चाहते थे। ऐसे में सनी देओल कई सालों के बाद एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने थे, जिस फिल्म का नाम था मोहल्ला 80 और वाराणसी में इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। तब चंद्र प्रकाश द्विवेदी और सनी देओल ने पृथ्वीराज पर लंबी चर्चाएं की थी और इस चर्चा में चंद्र प्रकाश द्विवेदी और सनी देओल ने फिल्म के बारे में बहुत सारे विषयों को शामिल भी किया था, जैसे चरित्र कैसा होगा और इसमें अंतिम रूप कैसा दिया जाएगा, यहाँ तक कि उन्होंने कैरेक्टर का लुक और आवाज के तौर तरीकों तक के बारे में बातचीत कर ली थी। बताया जाता है कि सनी देओल इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे और ये उनके बड़े प्रोजेक्ट में से एक था और ये उनका सपना भी था कि वो सम्राट पृथ्वीराज के किरदार में दुनिया के सामने आए। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यशराज फिल्म्स की एंट्री के साथ सब कुछ बदल गया। YRF के अनुसार वह सनी देओल की तुलना में अधिक बिक्री योग्य हीरो को चाहते थे जिसने पहले रिकॉर्ड बनाए हों और वह निर्णय था जिसके कारण अंत में सनी देओल को रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे एक कहानी भी रही है। बताया जाता है कि जब इस फिल्म की कहानी सब कुछ तैयार हो गई और कास्ट भी तैयार हो गए और चंद्र प्रकाश द्विवेदी सनी देओल के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते थे, लेकिन जब फिल्म के निर्माण की बारी आई तो यशराज फिल्म्स के साथ इस फिल्म को जोड़ा गया और सनी देओल को जब पता लगा तो उन्होंने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया। सनी देओल के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को भी अपनी दुश्मनी की वजह से छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि सनी देओल का गुस्सा कितना बुरा है कि उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को अपनी दुश्मनी की वजह से छोड़ दिया है। खैर, जैसा मर्जी रहा हो, और सनी देओल के इस फिल्म को छोड़ने के बाद अक्षय कुमार की इस फिल्म में एंट्री हुई और अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म में अपनी जी तोड़ मेहनत की है। अब 3 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को फैंस कितना ज्यादा पसंद करते हैं ये देखना अभी बाकी है। तब तक आप हम बताएं कि सम्राट पृथ्वीराज को लेकर आपका क्या रिएक्शन है और क्या आप भी सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने जा रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।